यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तम आहो पंडितं बुधम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे ही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान देखिए इस श्लोक में दिव्य ज्ञान ही दे रहे हैं। इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान। तो आप देखेंगे पूरा, जब फर्स्ट टू लास्ट अध्याय, इस पूरे अध्याय को देखेंगे फर्स्ट टू लास्ट श्लोक तक, तो आप देखेंगे इसमें भगवान ने अलग अलग चीज़ों को, इसमें कर्म अकर्म और किस तरह के मनुष्य का क्या ध्येय होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को इसमें बताया गया। तो आज के अभी के जो हम श्लोक ले रहे हैं इसमें भगवान बताते हैं कि साधु पुरुष किसे कहते हैं। ये वाले श्लोक में साधु पुरुष या कर्ता का डेफिनेशन भगवान ने एक्सप्लेन किया है। तो अभी यहाँ पर जानना चाहिए कि साधु पुरुष बनने का पहली बात तो गुण जो है ना, वो बनना, अगर किसी को साधु पुरुष बनना है तो वो हर चीज़ का एक कुछ बनने के लिए उसमें कुछ गुण आना चाहिए, है ना, साधु पुरुष बनने के लिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो है कि चित्त जो है ना, चित्त में शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण होना चाहिए, यानी चित्त जो है वो शुद्ध होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि आपकी जो वृत्ति है ना वो सकारात्मक होनी चाहिए, और भगवान के बारे में जो है ना वो जानने की लालसा होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तब हम भगवान को जानेंगे, है ना, भगवान को जानेंगे। और भगवान को जब हम जानेंगे तो अपने आप को 100% भगवान को सरेंडर करेंगे। जब हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाएंगे और 100% अपने आप को, तन मन धन सबसे भगवान को 100% सरेंडर करेंगे और भगवान में के चरणों में अपने आप को 100% जब सरेंडर कर देंगे और भगवान के लिए कार्य करेंगे, और उस कार्य में फल की चाह नहीं करेंगे, तब साधु पुरुष कहलाएंगे, कर्ता कहलाएंगे, जो कि यहाँ पर। और इसी चीज़ को पूरे एक्चुअली इस श्लोक में एक्सप्लेन किया, आगे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम संयमित मन और बुद्धि से कार्य करेंगे और जिस संपत्ति को अपना मानते हैं, जिस पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, जिसका हम स्वामी मानते हैं, चाहे वो संपत्ति कोई भी हो, चाहे वो धन हो, चाहे कोई शरीर से शरीर रूपी संपत्ति हो किसी की, है ना, चाहे जो भी हो, उन सबको जिसको, जिस पर हम अपना स्वामित्व मानते हैं, जब उसको हम त्याग कर देते हैं, त्याग करते हैं, या किसी चीज़ का हमें फल प्राप्त होता है उस फल का हम त्याग कर देते हैं, या उसके मिलने वाले फल से हम प्रभावित नहीं होते हैं, तब हमें क्या होता है, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, हम प्रोसेस में आ जाते हैं। सेकेंड थिंग, हमें द्वंद्व से मुक्त होना है। फिर क्या होना है? ईर्ष्या से मुक्त होना है। किस मनुष्य हैं तो ईर्ष्या तो कूट कूट के भरी है ना, तो ईर्ष्या से भी मुक्त होना होगा, द्वंद्व से मुक्त होना होगा, ईर्ष्या से मुक्त होना होगा। सफलता, जीवन में सफल हम कार्य करेंगे तो नेचुरली, देखिए भौतिक जगत में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ मिलता है, या तो सफलता मिलती है या तो असफलता मिलती है। हर कोई सोचता है कि हमें सफलता मिले, कोई है ऐसा जो सोचे कि हमें असफलता मिले? किसी बच्चे से पूछ रहे, अरे तो बोलेगा मुझे फर्स्ट आना है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे सेकंड आना है या थर्ड आना है या फोर्थ आना है। फेल तो छोड़ ही दो, कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे फेल होना है, सेकंड तो छोड़ ही दो, सबको फर्स्ट आना होता है। ऐसे ही जो बड़े होते हैं, बच्चों के बड़ों में हमेशा, अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस में उसको टॉप लेवल पर आना होता है ना, कोई भी पोस्ट पे है उसको फर्स्ट आना होता है, हमेशा टॉप लेवल पे रहना है। तो ये सारी चीज़ों के सफलता असफलता से हमें क्या करना होगा? मुक्त होना। जब
व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को हर चीज़ों से, जो चीज़ें उसे बांधती हैं, इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त करता जाएगा ना। हमने क्या क्या गिना है? एक तो मन को संयमित करना होगा, दूसरा अपनी बुद्धि को ना, मन और बुद्धि को कंट्रोल, मतलब मन को संयमित करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरा जिन चीज़ों पर उसका अधिकार है, स्वामित्व है, उससे अपने स्वामित्व को हटाना है। फिर द्वंद्व से मुक्ति पाना है। फिर सफलता असफलता के भंवर से दूर निकलना है। फिर क्या है? ईर्ष्या से मुक्ति पाना है। किसी के प्रति हमारी कोई ईर्ष्या है या किसी वजह से हो गई है तो उससे हमें हटना है। तो जब इन सब चीज़ों से हम अपने आप को दूर करेंगे तो हम क्या होगा, हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे कर्म के बंधन से, कर्म के प्रभाव से हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। फिर यहाँ जो बताते हैं ना कि पूर्ण हम साधु पुरुष बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसा ज्ञान? पूर्ण ज्ञान। उस पूर्ण ज्ञान की अग्नि में हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों की आहुति डाल दी। यहाँ पर आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, यह बहुत ज़रूरी है, उस तरह का ज़रूरी। आगे हम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक डेली बेसिस पे जैसे हम सोकर उठते हैं, शरीर को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं ना, दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। तो अभी कहा जाए कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहाने के लिए, रसीला माता जी के लिए ज़रूरी नहीं, ऐसा है क्या? आप उठेंगे तो नहाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। माता जी के लिए ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं। आपके लिए ज़रूरी नहीं, सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी, ऐसा नहीं है ना। नहाना तो सबके लिए ज़रूरी है, बगैर नहाए तो कोई शुद्ध नहीं हो सकता है, या ब्रश के बगैर, ठीक है ब्रश नहीं, कोई दातुन यूज़ कर सकता है, चलो एक ऑप्शन, लेकिन नहाना तो सबके लिए कंपलसरी है। नहाए बगैर कोई शुद्ध, स्प्रे मार के तो शुद्ध नहीं हो सकते, नहाना तो सबके लिए कंपलसरी है। तो नहाए बगैर हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन को, अगर जो देखिए पशु पशु पक्षियों की या दूसरे कीट या जो दूसरे भी हैं जीव जंतुओं की हम यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं कि अगर इसे सुखमय बनाना है, उलझन रहित बनाना है, तो भक्ति मार्ग अपनाना ही है कंपलसरी। जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए नहाना कंपलसरी है, शुद्ध करने के लिए नहाना कंपलसरी है, ऐसे ही अपने मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए या उलझन रहित बनाने के लिए भक्ति मार्ग अपनाना कंपलसरी, दूसरा कोई चॉइस है ही नहीं है, है ना। तो अगर यह ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को तो क्या करना होगा, अभी हमारे अंदर बहुत सारी तृष्णाएं भर रही हैं, तृष्णाएं मतलब बहुत सारी लालसा है अंदर, प्यास है, तृष्णा मीन्स प्यास, बहुत सारी हमारे अंदर प्यास है, किस तरह का, बहुत सारा ज्ञान पाने की, अलग अलग तृष्णा होती है ना लोगों के अंदर, किसी को ज्ञान पाने की होती है, किसी को धन पाने की होती है, किसी को अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग तरह के लोग हैं तो अलग अलग तृष्णाएँ अंदर होती हैं। तो हमें सबसे पहला कार्य क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों से, इन सारी भावनाओं से, तृष्णाओं से हमें क्या होगा, मुक्ति पाना होगा, ठीक है। मगर सबसे दुख की बात यह है कि आज के इस भौतिक जगत में, है ना, इस फास्ट लाइफ में, इस क्या बोलते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्या लाइफ, कौन सी लाइफ होगी माता जी, टेक्नोलॉजी लाइफ, टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी टाइम चल रहा है, इसमें हम मनुष्य को पूरा हमने क्या मशीन बना दिया है। हाँ, बस एक टच करो और सब कुछ हो जाता है, आजकल ना मोबाइल में होता है ना, एक टच करो और दुनिया आपकी मुट्ठी में है ना, फ़ोन में सब कुछ होता है ना, मोबाइल बैंकिंग क्या है आपका, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है ना, बैंकिंग, आप क्या नहीं कर सकते, ओवरसीज सब कुछ, मतलब यहाँ से बैठे बैठे आप इंडिया से आप अपना बैंकिंग कर लो, आपने क्या अमेज़ोन से कोई चीज़ मंगा लो, मतलब सब कुछ आप मोबाइल से आप कर सकते हो, एक टच कर दो बस, तो सब कुछ आपके हाथ में इस मोबाइल के थ्रू, तो दुनिया को आपने मुट्ठी में कर लिया इस मोबाइल के थ्रू, लेकिन तो फिर भी क्या हम सुखी हैं,
पहले हमें दौड़ दौड़ करके मार्केट में जाना, आजकल देखिए नाकूमट का इसका उसका सब कुछ है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बैठे बैठे आप सब चीज़ें मंगा लो, तो क्या हम सुखी हो गए? इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद क्या हम सुखी हो गए? पहले हम कोसों चल कर जाते थे शॉपिंग चीज़ें, पहले के लोग बाजार जाना हो हाट जाना हो चल के जाते थे, चल के आते थे, है ना। अब तो सबके पास गाड़ियाँ हैं, घर में एक नहीं न जाने कितने सारे व्हीकल होते हैं, है ना। अब तो वो भी उठाने की ज़रूरत नहीं है ना, बस एक फ़ोन कर दो और सामान घर पे आ जाता है। तो क्या हम सुखी हो गए? हमारा जीवन बहुत सुखमय हो गया क्या? नहीं। तो इस मोबाइल से हैकिंग भी हो जाती है ना, एक सेकेंड लगता है अंदर से सब गोलमाल हो जाता है, बैंक पूरा बैंक खाली हो जाता है, करोड़ों के करोड़ों गायब, लाखों के लाखों इस मोबाइल में जैसे ही टच करते हैं आपने पेमेंट किया, उधर सब एक बटन इधर डिजिट डाला और क्लिक किया, वहाँ से आपका पूरा अकाउंट खाली है ना, टेक्नोलॉजी टाइम। तो ये टेंशन दिया कि आपको, इसने आपको सुख दिया कि दुख दिया? ये दुख का कारण है। जितना हम इसमें सुख बोलते हैं ना, सुख ढूंढने जाएंगे उतना हम दुखी हो रहे हैं। तो सुख बोलते हैं ना, ढूंढने जाते हैं सुख, मिलता है दुख। तो ये भौतिक जगत का नियम है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं, हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो दुख तो मिलना ही है। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ हम सुख ढूंढेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख कहीं और है और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे बॉम्बे में आप लोगों को पता है ना ट्रेन चलती है, सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, हर्बर लाइन है, बहुत सारी वहाँ पे रेलवे चलती है। आप किसी को सेंट्रल रेलवे सेंट्रल जोन में जाना है और वो वेस्टर्न जोन वाली ट्रेन में बैठ गया, बोले मुझे सेंट्रल साइड में जाना है, तो जा सकता है क्या? जाएगा क्या? कैसे जाएगा? क्योंकि वो रॉन्ग ट्रेन में बैठ चुका है। तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में खुशी को ढूंढ रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में हम खुशियों का पता, मतलब बोलते हैं ना खुशी का पता ही रॉन्ग पर्सन से ढूंढ रहे मांग रहे हैं। किसे? माया देवी से बोलते हैं खुशी दो खुशी दो। माया देवी खुशी देने के लिए यहाँ नहीं बैठी, आपको उलझाने के लिए बैठी है, हम लोगों को उलझाने के लिए बैठी है। हम लोगों को यहाँ रोज़ नया नया कलरफुल लाइफ देकर यहाँ पर हमको जन्म जन्मांतर तक फंसाने के लिए आई है। माया देवी का काम यही है, जीव आत्मा को थोड़ा सा सुख देकर जन्म जन्मांतर तक यहाँ पर फंसा के रखने के लिए। अब फंसो और मरो यहीं पे, भोगते रहो। जिसे ये क्षणिक सुख चाहिए वो क्षणिक सुख लेकर यहाँ पर आते रहे, एक जीवन दूसरा जीवन तीसरा जीवन आते रहे और जाते रहे, लगता रहे, कभी कीड़ा बन जाए है ना, कभी मिलीपीड बन जाए, कभी वो पतंगा बन जाए है ना, तो कभी वो सैलामेंडर बन जाए, कभी कौवा बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए है ना, कभी शेर बन जाए, कभी मनुष्य बन जाए। ये चक्र चलता रहेगा, ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जब तक हम नहीं जानेंगे कि जब भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। जब तक ये हमारे बात दिमाग में बैठेगी नहीं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक ये चक्र लगता रहेगा। ठीक है, इस भूले हुए मनुष्य को रास्ता तो दिखाने के लिए ही भगवान ने भगवद गीता का यह संदेश हमारे पास भेजा है, और इस संदेश को हमें प्राप्त करना ही चाहिए। हम दुर्भाग्यशाली मनुष्य हैं, और इतना ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है कि ये सब जानते हुए भी हम कृष्ण भक्ति में नहीं आते। कितने सारे ऐसे लोग यहाँ पढ़े मिलेंगे कि सब कुछ जानते हैं, सबको पता है भगवद गीता में क्या संदेश भगवान का, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते। तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, जो नहीं जानते हैं उनकी बात है, लेकिन जो जानते हैं कि कृष्ण भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, उस संदेश को हमें आत्मसात करने के लिए भगवद गीता दी है। तो इस भगवद गीता को हमें आत्मसात करना चाहिए, भगवद गीता को हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवद गीता को मंदिर में रखकर अगरबत्ती, कितने हिंदुओं के पास तो भगवद गीता भी अब नहीं मिलेगी, मंदिर तो छोड़ दो घर में ही नहीं मिलेगी, रखे ही नहीं मिलेंगे। कितने तो ऐसे करते हैं जैसे कहीं घर बदली करते हैं, अगर होगी भी कहीं उनके उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उन्होंने रखी होगी, जो पुराने लोग हैं वो थोड़े सात्विक होते थे पढ़ते थे तो वो रखे होंगे ना, तो लाके मंदिर में दे देते हैं, बोलते हैं हमारे वो सास ने उनकी पर सास ने सब ने रखा, अभी हमको ज़रूरत नहीं, आप रख लो, मंदिर में देने आते हैं।
हाँ वो भी फिर दे रहे थे तो किसी से मांग के लाएंगे, आपको भगवत गीता थोड़ी पढ़नी है, वो कोई चला गया तो तब याद आता है कि थोड़ा उसी समय तो राम नाम कृष्ण नाम सब याद आ जाता है, थोड़ा तुलसी याद आ जाती है, गंगा जल याद आ जाता है, उसी समय सारी सारे शुभ कार्य वो भी कुछ वर्षों के बाद वो भी बंद हो जाएगा। जैसे भगवत गीता का पठन पहले देखिए रेगुलर होता था, अब धीरे धीरे खत्म हो गया वो भी, है ना। तो ऐसे ये चीज़ें भी खत्म हो जाए, मृत्यु के बाद गंगा जल पिलाना है, कंठी पहनानी है, तुलसी दल डालना, ये भी बंद हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं रही, अगर ये ज्ञान हम बच्चों में नहीं दे रहे ना, ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि शुरू से पढ़ाया नहीं गया, जैसे जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपने बच्चों को रेगुलर बिठा के पढ़ाया नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर अपने बच्चों को नहीं बिठाएंगे, चलो बैठो तुम भी आज भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ो, तो बच्चे में रेगुलरिटी आएगी नहीं। क्यों पढ़ेगा बच्चा, क्योंकि बचपन से पढ़ा नहीं है। अभी एकदम बड़ा हो गया, जैसे वो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का कोई पॉट आपने बनाया है, जैसे कुम्हार है, कुम्हार ने मिट्टी का उसमें देखिए अलग अलग कितने, देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग शेप के मिट्टी के पॉट हैं, तो अलग जब वो मिट्टी गीली होती है उसमें अलग अलग शेप आप दे देते हैं, अलग अलग शेप उसने कुम्हार ने दिया, लेकिन जब उसने पका दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब वो मिट्टी गीली है तो उसको तोड़ देता है फिर से अलग शेप बना देता है, तो उसको शेप पसंद नहीं आया तो फिर तोड़ के दूसरा शेप बना दिया। बच्चे ऐसे ही हैं, जब तक वो छोटे हैं ना आप उनको कोई भी मोल्ड करके कोई भी शेप दे सकते हो, उनको कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार वो बड़े हो गए ना, उनमें पूरा प्रकृति का कॉन्टामिनेशन आ गया ना, उन्होंने अपना उन्होंने प्रकृति से जो जो लिया है ना वो रंग पूरा चढ़ गया ना, फिर हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये ज्ञान ना भगवद गीता का ज्ञान बचपन से देना चाहिए। ये नहीं अभी 5 साल का होगा मेरा बच्चा, अभी तो बहुत छोटा है तभी दूंगी, या 10 साल का होगा तभी दूंगी, या फिर एकादशी अभी बहुत छोटा है कैसे पालन करेगा, वो भूल जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है कोई बात नहीं, स्कूल में टूट जाता है कोई बात नहीं, घर पे उसको याद दिलाओ नहीं बेटा आज एकादशी थी तुमको नहीं खाना चाहिए था, उसको बार 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 हम अपने अपने आप को कैसे याद दिलाते हैं, चैंटिंग करते समय अपने आप को कैसे याद दिला देते, माला करनी माला करनी, भूल जाते हैं क्या जितनी माला बाकी है, स्टार्टिंग में याद है कैसे प्रोसेस होता था, अपने पुराने दिन याद करिए जब हम चैंटिंग लेके बैठते थे कैसे करते थे, इट्स अ प्रोसेस, नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं है कि सब यहाँ पे साधु संत सब ऋषि मुनि हिमालय जाके बैठ गए किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं, नहीं सिखाने की जरूरत, इट्स अ प्रोसेस, नहीं इसमें शर्माने की जरूरत है, नहीं इसमें छुपाने की जरूरत है, सब उसी प्रोसेस में, वी आर इन सेम शूज, वी आर वेयरिंग सेम शूज, सब उसी उसी वही चप्पल पहन के घूमने वाले हैं, सब 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 गंदे हैं, सबको नहाना है सब गंदे हैं ना सबको नहाना पड़ेगा, है ना। तो वही है कि हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, हमारा तो चलो अभी बीत गया, अभी हमने हमको लेट सब मैसेज मिला, लेकिन हमको मैसेज मिला है तो हमारा माता पिता होने का धर्म है कि हमने बच्चों को तुरंत मैसेज, जैसे मैसेज मिला तुरंत बच्चों को चैंटिंग सिखाना चाहिए, पहला धर्म करना चाहिए बच्चों को चैंटिंग सिखाएं जैसे हमें ज्ञान मिला। ये नहीं कि हम सीख जाएं पूरा, हम कर लें, हम पारंगत हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं तब बच्चों को सिखाएं, नहीं हमने सीखा बच्चे तुम लोग भी बैठ जाओ करो, मम्मी चैंटिंग करें तो करो करो कितना अच्छा लगता है, नहीं कर रहे ठीक है उनको क्या करो ब्राइब करो, जैसे पढ़ाई के लिए कैसे हम ब्राइब करते हैं, ये करेगा तो चॉकलेट दूंगी ना घुमाने ले जाऊंगी ना, ऐसे माला के लिए करना चाहिए, ऐसे ही भगवद गीता का श्लोक पढ़ने के लिए करना चाहिए, सब करना चाहिए। एक बार बच्चा 8-10 साल का हो गया क्या सुनेगा आपकी बात, 6 साल का हो गया क्या बच्चा सुनेगा आपकी बात, वो बच्चा का 2 साल में कैसे राइम सिखाते हैं, नहीं सुनता बच्चा जबरदस्ती बिठाते हैं, 5 साल का हो गया 4 साल का हो गया तभी से सिखाते हैं तो सुनता है बच्चा, नहीं सुनेगा क्यों सुनेगा, जिद्दी है ना, हाँ हमारा मन कितना जिद्दी है, हम चैंटिंग करते रहते पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, है ना। अभी हम क्लास में बैठे अभी थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लेवल हाई हो गया तो कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगा, अभी स्टोरी चालू हो जाएगी तो अटेंशन आ जाएगा, है ना। तो जब मन क्या होता है, मन के जो पसंद की चीज़ें होती है ना, मन कहाँ लगता है, मन थोड़ा चंचल है उसके पसंद का चीज़ रहेगा तो वहाँ मन लगता है, थोड़ा फिलॉसफी चालू होती है ना तो वहाँ उसका मन नहीं लगता है, ये क्वाइट ऑब्वियस है किसी का भी है, मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं सो नहीं रही, मैं वहाँ बैठ जाऊँगी तो सो जाऊँगी, ऐसा होता है, जो बोलता है वो सो नहीं सकता क्योंकि वो बोल रहा है, वो उसको मजा आ रही है, वो बोल रहा है वो इंजॉय कर रहा है, तो ये ऐसा होता है। तो मन जो है ना, मन को नहीं सुनना, क्यों,
क्योंकि वो सुनेगा तो वो प्योरीफाइड हो जाएगा, तो तुरंत भगवत धाम जाने का प्रोग्राम लगाएगा। मन नहीं चाहता है कि ऐसा हो, हमको बांधना चाहता है, इसीलिए ऐसा प्रोग्राम। ठीक है, तो कृष्ण को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने मन को शुद्ध करना। देखिए, कृष्ण को समझने के लिए जैसा कि हमने कहा कि कोई बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी ऐसा नहीं कि हमको कोई बहुत बड़ी डिग्री, जैसे भौतिक जगत में कोई पोस्ट पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती है ना। जैसे माता जी हैं डांसर, इनको इन्होंने अच्छे से सीखा है, एक प्रामाणिक गुरु के साथ सीखा है, तब ये बराबर। अभी इनकी जैसा बोलो हम ताक ही करें तो हमको तो आएगा भी नहीं, पैर ही मोड़ने के लिए कितना परेशानी होगी। तो इन्होंने प्रामाणिक गुरु से सीखा है, अच्छा से इन्होंने बराबर क्वालिफाइड हैं। हर कोई भारती माता जी नहीं बन सकते, हर कोई ऐसे डांस नहीं कर सकता, है ना। वैसा बनने के लिए वैसा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई शैक्षणिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, या किसी विशेष लैंग्वेज की, मतलब एक कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे संस्कृत है, संस्कृति आनी चाहिए, ऐसा जरूरत नहीं है। आप कोई भी भाषा को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। भगवान हर भाषा समझते हैं, भगवान को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो तो हर भाषा समझते हैं, है ना। तो और उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ शुद्ध चित्त, एक शुद्ध मन चाहिए, पारदर्शी चित्त, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उनको कुछ और चाहिए नहीं, ठीक है। अब देखिए, इस श्लोक में बताया गया कि अब ये जो चेतना है, ये दूषित, हमारी चेतना जो है दूषित है। क्यों मन नहीं लगता है, क्योंकि जो चेतना है ना हमारी दूषित है, हर एक सेकंड पे कंटामिनेटेड हो रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। तो जब हम कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट में हैं तो नेचुरली हमारी जो चेतना होगी वो कंटामिनेटेड होगी, ठीक है। अब इस कंटामिनेशन को दूर करने के लिए, इस दूषित चेतना को क्लीन करने के लिए यज्ञ बताया गया है यहाँ पर। अभी यज्ञ करने, हमें बताया गया यज्ञ करने के लिए बताया गया। तो यज्ञ की प्रोसेस हम लोग अलग बताते हैं, जैसे हम लोग रोज करते हैं वो चैंटिंग का प्रोसेस है। अब चैंटिंग करने के लिए चैंटिंग करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, जैसे हम सोचते हैं कि हम, जैसे इस श्लोक में पहले बताया गया कि हम जो सोचते हैं किसी का स्वामित्व मानते हैं, किसी के ऊपर अपना स्वामित्व जानते हैं, या हम मानते हैं कि हम उसके हेड हैं या हम बॉस हैं, उस चीज़ को हमको साइड करना है, मतलब हम भोक्ता राम हैं, इसको साइड करना होगा। सब कुछ मेरे खुशी के लिए, इसको साइड करना होगा। मैं सबका स्वामी हूँ, इस चीज़ को मानना। तो ये सबको क्या करना होगा, ये सबको स्वाहा, है ना, क्या करना होगा, ये सबको क्या करना होगा। हम लोग यज्ञ करते हैं ना, गायत्री यज्ञ आप लोग करते हैं, ऐसे इसको एक मन का कुंड बनाना होगा, उस कुंड में डालना होगा। पहले बोलना चाहिएगा कृष्ण सबके स्वामी हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, स्वाहा। फिर कृष्ण सबके सोर्स हैं, मैं उनका दास हूँ, स्वाहा, है ना। जो है सब उनके आनंद के लिए है, मेरे आनंद के लिए कुछ नहीं है, स्वाहा, है ना। सब कुछ अपना जो है ना, और जो अपना ईगो है, मैं, है ना, हम अपने अंदर की ईर्ष्या, सब कुछ उसके अंदर स्वाहा करनी होगी। जब ये कुछ भस्म साथ, जब हम सब स्वाहा कर देंगे, तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। क्या हम भगवान के, क्या ज्ञान क्या प्राप्त होगा, कि हम दास हैं। जब ईगो नीचे जाएगा तभी तो दास का मन में भाव आएगा ना। जब तक इधर ऐसे बैठे ना, बॉस ऐसे रहेगा, बॉस, जब नीचे उतर के बैठेंगे तब लगेगा कि दास। इधर बैठ गए, ऊपर ऊपर कुर्सी में बिठा दिया तो बॉस, नीचे बैठेंगे तो दास। तो वो प्रोसेस, वो दिमाग में आना बहुत जरूरी है ना। तो भोक्ता राम का जो सोच है वो पहले निकालना पड़ेगा। स्वामी स्वामी स्वामी, अयो स्वामी, वो निकालना पड़ेगा जी। स्वामी वाला कथन निकाल लो जी। कोई साउथ इंडियन नहीं है आज, थोड़ा साउथ इंडियन टोन बोला, ठीक है। तो हमको स्वामी नहीं बनना है, हमको दास बनना है, ठीक है। यज्ञो वही विष्णु, मतलब जो है वो विष्णु के चरणों में हमें ये सारे चीज़ों का, जो बोलते हैं ना कि अपने ईगो, ये सब सारी चीज़ों को भस्मसात कर देना, इसे यज्ञ कुंड बना के उसमें भस्मसात कर देना, ठीक है। अभी देखिए, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया कि वो श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के, जो उनके
सखा थे उन सबको जब वृंदावन में लेके घूमते तो समय उन्होंने ये सारे जो वृक्ष हैं ना, वृक्षों के वहाँ पे झुके झुके वृक्ष थे, थोड़े ऊंचे वृक्ष थे, ऐसे सारे वृक्षों को दिखाते हुए कहते हैं, देखो सखा ये वृक्ष कितने अच्छे हैं, एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन सोचो ये धूप सह रहे हैं, वर्षा सह रहे हैं, ठंडी सह रहे हैं, तो भी हम सबको क्या दे रहे हैं, ये शीतलता दे, धूप में देखिए कितना अच्छा शेड दे रहे हैं, छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, इतना सब कुछ सहते हुए भी ये इतने दयालु हैं, है ना, ये जन कल्याण के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों को हमेशा ये हमारी सेवा करने के लिए खड़े, क्या फल देते हैं ना, वृक्ष फूल देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं ना, पत्ते देते हैं, सारे उपयोगी हैं, है ना। तो मनुष्य को इन वृक्षों से क्या सीखना चाहिए, मनुष्य को क्या सीखना चाहिए इन वृक्षों से, परोपकार। हाँ, हमें भी हमेशा देना चाहिए, किसको देना चाहिए, आते जाते लोग, ले लो भाई ले लो, 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, ले लो क्या ले लो, बाल ले लो, नाखून ले लो, हाथ ले लो, क्या क्या बेचेंगे हम, बेचेंगे क्या, हमारे पास क्या है, ज्ञान बेचेंगे, ज्ञान तो है ही नहीं, कुछ नहीं, लड्डू ठन ठन गोपाल है हम लोग, ज्ञान तो फिर डंडे पड़ेंगे, ज्ञान दिखाएंगे तो फिर तो कृष्ण के डंडे पड़ेंगे, फिर माया जी माया देवी आ जाएंगे, बोलेंगे चलो ज्ञानी पुरुष आ जाओ मेरी गोद में आ जाओ, सुलाती हूँ ज्ञान नहीं बोली, और कौन बोलेगा, क्या देंगे, क्या देंगे, कृष्ण को सेवा देंगे, वेरी गुड, सेवा देंगे, किससे देंगे, तन मन बुद्धि हर तरीके से देंगे, जो सेवा है एक तो अपनी बुद्धि से देंगे, अपने तन से देंगे, मन से सेवा, देखो सेवाएं बहुत सारी अलग अलग तरीके की सेवा होती है ना, तो अपने जो होते थे धन से करते हैं लोग, कोई तन से करता है, कोई मन से सेवा होते हैं ना, मन से भी लोग सेवा करते हैं, तो दूसरे हम लोगों को क्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा इन सारी चीज़ों से करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे से यही सीखना चाहिए कि हमें पूरी तरह, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हर तरीके, देखो टॉप टू बॉटम उनका हर चीज़ यूजफुल होता है, उनके पत्ते हो, उनकी जड़ें हो, उनके ये क्या बोलते हैं तने हो, है ना, उनके फूल हो, उनके फल हो, सब कुछ यूज़फुल है कि नहीं, तो वो पेड़ हमें यही सिखाते हैं कि हर तरीके से दूसरे की जन कल्याण करना चाहिए, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमें यूज़फुल बनना है, अपने पूरी तरीके से भगवान के चरण यूज़फुल बनना है, मतलब इस शरीर को यूज़फुल बनाना है भगवान की सेवा के लिए, अपने शरीर को यूज़फुल बनाना है पूरी तरीके से 100% तन मन धन से भगवान की सेवा के लिए, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं यज्ञ, जब हम अपने शरीर को कंप्लीट भगवान की सेवा में लगाते हैं तन मन बुद्धि से, जब अपना पूरा शरीर भगवान के चरणों में डाल देते हैं उसको भी यज्ञ कहते हैं, इस श्लोक में ये बताया गया, ठीक है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसका प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, भगवान ये डेफिनेशन पूर्ण ज्ञानी का बता रहे हैं। अब साधु पुरुष का भी यहाँ डेफिनेशन, पूर्ण ज्ञानी पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, साधु पुरुष जो हमने शुरू में डिस्कस किया था वही है। अब पूर्ण ज्ञानी कौन है, पूर्ण ज्ञानी हमने शुरू में डिस्कस किया था, पूर्ण ज्ञानी का डेफिनेशन क्या है, पूर्ण ज्ञानी किसे कहते हैं, साधु पुरुष के बारे में हमें बता दिया अभी कि साधु पुरुष जो पूर्ण ज्ञानी होता है ना, जो पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात, मतलब कर्मफल के को भस्मसात, मतलब भस्म कर देता है, उसे साधु पुरुष कहते हैं। लेकिन अब ये पूर्ण ज्ञानी कौन है, या पूर्ण ज्ञान क्या है, पूर्ण ज्ञान क्या है, मतलब ये हमारा जो नित्य स्वरूप जानना, माता जी ने जो बताया से कि हमारा नित्य स्वरूप है,
क्या नित्य स्वरूप है? नित्य दास। हम हमारा जो नित्य स्वरूप है कि हम कृष्ण दास हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम क्या रहेंगे, कुकर सुकर की लाइफ में पड़े रहेंगे। जैसे ना पुनरति जन्म, माता जी बोलिए, पुनरति मरणम पुनरति जठरे, वो चलता ही रहेगा, है ना। उसी में आना है, फिर पड़े रहना है। कितनी सी छोटी सी जगह होती है, फिर निकलना, फिर अंदर बोलते रहना है। थर्ड कैंटो में जीव बोलता है भगवान से, प्रार्थना करता है कि आप भगवान मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, यहाँ बहुत अंधेरा है और मेरी माँ जो तीखा खाती है ना वो बहुत मेरे लिए असहनीय है, मुझे बहुत गर्मी प्रतीत होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है उससे। माँ तो चटोरे मार मार के, चटाके मार मार के खाती है क्योंकि उसको तीखा खट्टा खाने का मन करता है। और माँ खूब तीखा और खट्टा खाती है, उसे लगता है कि उसको बच्चे को मन कर रहा हो, लेकिन वो खाती है, लेकिन बच्चे को उससे तकलीफ होती है और बच्चा अंदर तड़पता है। और जब बच्चा मूव करता है तो माँ को खुशी होती है, माँ को लगता है मेरे बच्चे को बहुत मजा आ रही है। बच्चे को तकलीफ होती है एक्चुअली, वो अंदर जीव तकलीफ में आता है क्योंकि उसको अंदर से बहुत जलन प्रतीत होती है और वो प्रार्थना करता है। लेकिन सभी नहीं है, सारे बच्चे नहीं, कोई कोई जीव, थर्ड कैंटो में बताते हैं कि कोई कोई जीव अंदर माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दो, मैं बाहर आकर आपका भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है और शरीर धारण करता है, वो माया के प्रभाव में आ जाता है। भगवान नहीं भुलाते, भगवान कभी भी नहीं भुलाते, दर्द भूल जाता है। यही तो माया देवी का काम है, सब भूल जाओ। भूलोगे नहीं तो फिर ये चक्कर कैसे, फंसोगे कैसे? आप ही भगवान के ऊपर ब्लेम डाल दिए, भगवान को नहीं भुलाना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि श्लोक का, कि हमें हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति भक्ति में आने के लिए अपने मन को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि मन में हमारा मन हमेशा कामना रहित रहे। कोई भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पित करे, उसके फल की प्राप्ति के लिए ना सोचे, ठीक है। जब भी अपने कर्मों को करें तो उसके फल की चिंता सब भगवान के ऊपर छोड़ दें, फलों की आशा ना करें, क्योंकि फल दुखदायी भी हो सकता है, सुखदायी भी हो सकता है। जब हम फलों की आशा में रखेंगे, अगर दुखदायी हुआ, सुखदायी हुआ तो खुश होंगे, दुखदायी हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर व्याधि करते बैठेंगे, अपने आप से परेशान होंगे। सो बेटर होगा कि भगवान के ऊपर छोड़ दें और भगवान से कहें कि भाई भगवान जो आपको मंजूर हो वही वो जो होगा वो ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, वो आपकी कृपा से हो रहा है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा और हम शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से कामना रहित कार्य करते करते हम एक दिन शुद्ध, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारी ये शुद्ध भक्त बनने की इच्छा जरूर भगवान पूरा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?